हेलो दोस्तों, मैं सोनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सो मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। लाल मिर्च पाउडर कटी हुई 4 से 5, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, 250 ग्राम कटी हुई भिंडी और 2 मीडियम साइज का प्याज। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म करके सरसों का तेल डालेंगे और 1/2 चम्मच के करीब जीरा। फिर हमने यहाँ पे जो कटी हुई प्याज थी उसको डाल देंगे और उसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे। उसके बाद में हम इनको मिक्स करके फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और पेस्ट डालने के बाद भी आप इनको 1 मिनट तक एकदम स्लो आंच पे इनको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद में हम अपनी जो भिंडी थी उसको डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे और नमक अभी नहीं डालने हैं। इस बात का ध्यान रखना कि तुरंत भिंडी डालने के बाद नमक नहीं डालना, नहीं तो भिंडी आपस में चिपकने लगती है। और यहाँ पे कम से कम 2-3 मिनट हम ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे और जो इसमें लचीलापन होता है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद में। फिर यहाँ पे ऐसे ही आपको फ्राई करते रहना। जब भिंडी सॉफ्ट होने लगे ऐसे, तो इसमें हम मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसके बाद में हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे इनको। उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इस स्टेज पे नमक डाल सकते हैं जबकि इसमें कोई लचीलापन नहीं है। अब नमक डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे हम ढक के इनको पकाएंगे स्लो आंच पे। यहाँ पे आंच आपको एकदम स्लो रखना है, नहीं तो भिंडी जलने लगती है और जो हमारा प्याज है वो भी जलने लगता है, भिंडी कच्ची रह जाती है। अब हम यहाँ पे एकदम स्लो आंच पे मैंने यहाँ 2-2 मिनट पे खोल खोल के ऐसे ही इनको चलाना है। आपको बीच बीच में देखते रहना ताकि भिंडी नीचे से पकड़े ना, और ऐसे बहुत ही अच्छी भिंडी बनती है। और इस तरीके से बनाने से फूटती भी नहीं भिंडी और अच्छे से बन भी जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ती मैंने डाल दिया है और अब मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल और भिंडी की सब्जी भी खा सकते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है दाल चावल भिंडी की सब्जी। सो बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं बना है।